हमें क्या बोले, हम तो बोलते हैं कि भाजते ही हैं। क्या बोले, हमें तो ऐसा ही बोलते हैं भाई गांव देहात का। हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की रेसिपी में हम आप लोग को दिखाएंगे, ये देखिए मीट और ये देखिए मछली, ठीक है? तो हम लोग गांव देहात का कैसे बनाते हैं तो हम आपको बना के दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम ये वाला जो मीट बनाएंगे उसका मसाला हम जीरा ले लिए हैं, अदरक ले लिए हैं और लहसुन लिए हैं। और ये देखिए दोस्तों, आज जो है ना हम लोग वीडियो मतलब शाम हो गया है तो आज दिन भर मतलब कार्ड नहीं था तो उसकी वजह से मोबाइल भी चार्ज नहीं हुआ था तो दिन में नहीं कर पाए हैं, तो अभी शाम को ही हम बना रहे हैं, ठीक है ना। मिर्चा जो है दोस्तों हम बाद में इसको पीसेंगे, ठीक है? अभी ये मसाला सब पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम मिर्चा नहीं दिए थे तो अभी हम मिर्चा भी दे देंगे। ये छोटा छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत झाल है इसमें, तीखा थोड़ा ज्यादा ही है, ठीक है? लेकिन दिखने में कितना छोटा छोटा है। अब ये देखो दोस्तों, हम मसाला पीस लिए हैं, अब मसाला को खा लेंगे, ठीक है? ये देखिए दोस्तों, इसको हम ना साइज कर लेंगे, थोड़ा बड़ा है इसको छोटा छोटा कर देंगे, ठीक है? छोटा छोटा कर लेंगे तो खाने में भी अच्छा लगेगा, इतना बड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? प्याज काट लेंगे, इसका छील। ये देखिए दोस्तों, हम ये मछली का मसाला बनाएंगे। ये जीरा है, ये अदरक है, मिर्चा है और ये प्याज है, लहसुन लिए हैं, ठीक है? इसको हम पीस लेंगे। अभी ये मछली का मसाला है, जो हम डाल दिए हैं अभी पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो मसाला मतलब मछली का मसाला है वो हम लोग रेडी कर दिए हैं, अभी हम इसको उठा लेंगे। हम लोग जब मतलब हम लोग का जो गांव देहात में इसी से हम लोग बांटते हैं एक ही जगह, ठीक है? ये देखिए हमारा मसाला तैयार है, मछली का और ये मीट का है। ये देखिए दोस्तों, हमने तेल डाल दिए हैं, जीरा अंदर रखते हैं, इसे हम जो कटा हुआ प्याज है इसमें हम डाल देंगे। इसके थोड़ा सा भून लेंगे, इसमें जो है हमारा मीट इसको हम इसमें डाल देंगे, ठीक है? हम प्याज का अच्छी तरीके से भून लिए हैं, नमक डाल देंगे, नमक डाल दिए हैं। और आज देख रहे हैं दोस्तों, अभी मेरे जो मतलब कोयला हम मतलब जलाए ना, आज कितना सुंदर हुआ है, धूप में सूखा है ना, इसीलिए मेरा पिसा हुआ जो मसाला था हम इसमें डाल दिए हैं, ठीक है? और अभी हल्दी दे देंगे, हल्दी भी दे दिए हैं, इसको हम अभी मिला देंगे।
और मेरा जो मतलब क्या बोलेंगे कश्मीरी मिर्चा जो था उसमें आज ख़त्म हो गया है, आज नहीं दे पाएंगे ठीक है। और अभी शाम भी हो गया है, दुकान से नहीं ला पाए हैं तो इसमें काम चला देंगे। ये देखो दोस्तों हमारे पास एक टमाटर था, हम इसमें देंगे ठीक है। अभी हम थोड़ा काट लेंगे इसको, ये इतना छोटा छोटा कर दिए हैं, एक तो पूरा दे देंगे ठीक है, मीट के हिसाब से ठीक ही है। तो ये देखो दोस्तों हम इसे मिला दिए ठीक है। फिर भी हमारे जो मीट का कलर है मतलब सुंदर ही दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ये देखिए। काली मिर्ची है इसका थोड़ा सा था, हम थाम डाल दिए हैं। देखिए ये मतलब 6 रुपये का पैकेट भी आजकल मिलता है, पीसना नहीं पड़ता है। और अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिला देंगे। ये देखिए दोस्तों ये मीट मसाला है, थोड़ा सा डाल देंगे, देंगे तो अच्छा मतलब खुशबू भी आएगा और खाने में भी टेस्ट होगा। आप लोग क्या क्या देते हैं तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोग से यही मतलब देते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला देते हैं। ये देखिए आज बल्लू गिर गया था सुबह रोड में ठीक है, घाव हो गया है और खाने के लिए बैठा हुआ है, फिर हम खाएंगे। इसमें हम पानी डाल देंगे, हम तो मछली को धो लेंगे। ये मेच है, मछली का मेच है ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए मछली से ज़्यादा मीट दिया हुआ है, ये देखिए हम इसको धो लिए हैं। अरे इसे मीट को हम धो लिए हैं, इसका आँख भी दे दिया है। मछली का आँख भी लाया हुआ है, इसका हम निकाल देंगे, इसको कौन खाएगा, कोई नहीं खाएगा। ये देखिए मछली हम बिल्कुल धो के तैयार कर दिए हैं ठीक है। और ये मीट में ना हम हल्दी डाल देंगे, थोड़ा ज़्यादा हो गया नहीं है ठीक ही है। देखिए नमक किधर गया रे बाबा, ये देखिए हम थोड़ा नमक डाल दिए, इसको मिला लेंगे। थोड़ा सा ज्यादा ही दे रहे हैं, बार बार कितना देंगे, सिर्फ एक ही बार दे देंगे तेल को ठीक है। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद मीट को हम इसमें डालेंगे। और ये देखिए जो हमारी मछली है हम इसको मतलब नमक दिए थे और मतलब हल्दी दिए थे, इसको हम मिला कर रखे हैं, अभी इसमें दे देंगे। अब क्या बोलते हैं हम लोग, तवा बोलते हैं, ताई बोलते हैं, हम लोग तवा ही बोलते हैं ठीक है। और हम लोग इसी से मतलब रोटी भी बनाते हैं, मतलब जो भी काम हो मतलब अगर मछली करना होता तो इसी से मतलब इसको मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग तो बोलते हैं कि भाजते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग तो ऐसे ही बोलते हैं भाई, गाँव देहात का है ना। तेल था गर्म हो चुका, हमने थोड़ा इसीलिए नीचे लाए हैं चूल्हा से, हमको डर लगता है भाई। मुंडी जो हम इसे आंकना निकाल दिए हैं ठीक है ना। और फिर से लग, ये देखिए दोस्तों आज मतलब कल ना कल शाम को खाना बना रहे थे, कोयला से ही बना रहे थे तो फिर लग गया है ना, ऐसे रोटी बना रहे थे तो इधर का कट ऐसे कर रहे थे यहाँ लग गया। और ये देखिए ये भी लगा हुआ, इसी के चलते हमको लग जाता है ठीक है, करंट नहीं रहने से तो ऐसे मतलब दीवार जला के करना पड़ता है ना दोस्तों। मछली वगैरह से पलट देंगे ठीक है। ये देखिए हम सारे जो है मतलब जो जितना भी है ना अभी छुपा रहेंगे।
देखिए, ये देखिए दोस्तों मेरा हम जो मतलब मछली भाज रहे थे ये हो गया है ना, इसको हम अभी उतार देंगे है ना, ऐसे ऐसे कर देंगे ताकि जो मतलब तेल बचा हुआ है ना नीचे तरफ आ जाएगा और मछली ऊपर रहेगा। हम इसके लिए ऐसे कर दिए है ना, कितना अच्छा दिख रहा है आप लोग देख सकते हैं। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम पहले प्याज डाल देंगे, हम ना थोड़ा डर जाते हैं ठीक है, ये सब हुआ है ना इसी के चलते डरते हैं, तो हम अभी थोड़ा सा चला देंगे। अभी हम जो मसाला पीसे थे मसाला को दे देंगे, और थोड़ा इसमें हल्दी दे देंगे, जो माछ हम भाजे थे उसमें तो दिए थे लेकिन फिर भी और मतलब थोड़ा सा दे देंगे, इससे कलर अच्छा आएगा है ना, उसको हम अभी चला देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे जो मतलब मसाला है और टमाटर दिए थे इसमें हम भून लिए अच्छे तरीके से ठीक है, ये देखिए हम इसको अच्छी तरह से तेज पत्ता और टमाटर मसाला सब कुछ हम इसको भून लिए हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे ठीक है, इसमें हम पानी मतलब जितना चाहिए उतना डालेंगे, ये देखिए दोस्तों हमारे जो मछली बन के मतलब तैयार है ठीक है ना, इतना ही हम पानी पानी छोड़ देंगे इसका है ना, क्योंकि चावल के साथ ऐसे खाने में अच्छा लगता है, इसका भी हम उतार देंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर से बन गया है, और हम पहले बता चुके हैं कि आज मेरा कश्मीरी मतलब लाल रंग नहीं है उसको मत नहीं डालेंगे, तो फिर भी अच्छा दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों मेरा मछली का रेसिपी आज का बनके तैयार है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें आगे बढ़ने में मदद करना, तब तक के लिए बाय बाय।